ये वीडियो सबके लिए नहीं है। अगर आपके घर पे कोई पुरुष है जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है, पिताजी या नाना जी या दादाजी, तो यस, तब ये वीडियो ज़रूर आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो सुनने के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाए। देखिए, अगर आपके पिताजी या ग्रैंडफादर को रात को बार बार उठना पड़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और ये उनका फिजिकल और मेंटल पीस बहुत डिस्ट्रॉय कर सकता है। हम सब जानते हैं कि स्लीप हाइजीन या स्लीप साइकिल रेगुलर ना हो तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है फिजिकल और मेंटल हेल्थ में। तो अगर वो सुबह इरिटेटेड रहते हैं, नानी जी दादाजी को ज़्यादा डांट रहे हैं, बच्चों को पोतों को ज़्यादा डांट रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि वो खड़ूस हो गए हैं उम्र के साथ। हो सकता है वो बहुत मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो है कि सो नहीं पा रहे हैं। क्यों बार बार उठना पड़ता है? क्योंकि उनको बार बार ज़ोर से पेशाब लगता है और नहीं उठेंगे तो वो पैंट में निकल जाएगा, इसलिए उनको जाना पड़ता है। एंड इसका एक मेजर कारण है उम्र के साथ होने वाला प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, गदूद का एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे ग्लैंड है जिसका काम है सेमेन के फ्लूइड को मॉडिफाई करना बेटर हेल्थ के लिए। बट वो उम्र के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस के वजह से, एजिंग के वजह से बहुत सूज जाता है, जिसके वजह से वो यूरिन का पैसेज ही नैरो करने लगता है, ब्लॉक करने लगता है। इसके वजह से कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसमें से एक हमने बात की कि कैसे रात को उनको बार बार उठना पड़ता है क्योंकि नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है यूरिनेशन की। और क्या तकलीफ हो सकती है? मैं एक IPSS कैलकुलेटर का शेयर कर रहा हूँ आपके साथ लिंक, आप डिटेल में इस लिंक में जाकर देख सकते हैं कि आपके दादाजी को इनमें से क्या क्या सिम्टम्स हैं। पहला, हो सकता है उन्हें बहुत प्रेशर लगाना पड़े पेशाब करने के लिए, आसानी से ना हो रहा हो। दूसरा, आप नोटिस करेंगे कि कई बार उनको लंबे समय खड़े रहना पड़ रहा है पेशाब करने के लिए, क्योंकि उनकी स्ट्रीम इतनी वीक हो गई है कि जल्दी नहीं खाली हो रहा है। सेम 200 ml निकालने के लिए जो एक यंगस्टर को 10 सेकंड लगता है, इनको हो सकता है 60 सेकंड लग जाए, क्योंकि धार बहुत ही पतली हो गई है वो नैरोइंग की वजह से। थर्ड, यूरिन करने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि खाली नहीं हुआ है पेशाब की थैली और वापस शायद जाना पड़े थोड़ी देर में। और यही कारण है कि फोर्थ सिम्टम बार बार जाना पड़ता है, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। डे टाइम पे भी वो प्रॉब्लमेटिक है कि हर 1-1.5 घंटे में आपको जाना पड़ रहा है, नाइट टाइम में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमने डिस्कस की। फिफ्थ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही अर्ज आती है वो रोक ही नहीं पा रहे पेशाब और उनको डर है कि ये निकल जाएगा अगर अब नहीं किया तो। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिससे हमारे ग्रैंडफादर्स, हमारे फादर्स, अगर उनकी एज ज़्यादा गुजरते हैं और इसके वजह से उनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्ट हो रही है और इसलिए वो इरिटेट या ग्रम्पी हो रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? प्रोस्टेट ठीक है, सूज गया है। देखिए, सबसे पहले आप ये ऑनलाइन कैलकुलेटर में जाके चेक करो कि जो टोटल स्कोर है वो क्या है। सिम्टम्स माइल्ड है, यानी कि स्कोर 0-7 है सिर्फ, या स्कोर 8-19 है, यानी कि मॉडरेट सिम्टम्स है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, या 20-35 है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है और अब इसे डील करना पड़ेगा। सो अगर माइल्ड है तो हो सकता है सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से थोड़ा आराम आ जाए, जैसे कि रात को 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना, जो पीना है सुबह और दोपहर को पियो ताकि रात को कम उठना पड़े। पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, नेचुरली निकलने देना है, भले टाइम लग जाए। हो सके तो बार बार खुद से पेशाब चले जाइए हर 2 घंटे में, चाहे अर्ज ना भी आए, ताकि इमरजेंसी प्रॉब्लम ना आए। एंड ऑफकोर्स नींबू पानी, इनफैक्ट नींबू के छिलके का भी रस निकाल सकते हो, तो उसमें एरोमेटेज इनहिबिटर्स होते हैं जो हम दवाई के फॉर्म में देते हैं, वो भी बहुत हेल्प करेगा। पर अगर सिम्टम्स मॉडरेट है तो एक यूरोलॉजिस्ट लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ आपको कुछ मेडिसिंस देंगे, जैसे ही एरोमेटेज इनहिबिटर्स और कुछ अल्फा ब्लॉकर्स, जिससे पेशाब का पैसेज थोड़ा बेटर हो जाता है। बट फाइनली अगर मॉडरेट या सिवियर सिम्टम्स है, दवाइयाँ कंटिन्यूस नहीं लेना चाह रहे क्योंकि उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं और प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, यहाँ तक कि कुछ केसेस में रिटेंशन हो जाता है, पेशाब निकल ही नहीं पाता है, कैथेटर डालना पड़ता है, तब आपको एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। आपके पिताजी या दादाजी नहीं जाना चाहेंगे यूरोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि उन्हें डर है कि जब दूरबीन से ऑपरेशन होगा पेशाब के रास्ते पेनिस के थ्रू, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, परेशानी, पेन, कैथेटर डालना पड़ सकता है, और बाद में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि लिंग के खड़े होने की क्षमता खत्म होना, या इनकॉन्टिनेंस भी, यूरिन की रोकने की क्षमता खत्म होना, ये सारे जेन्युइन कंसर्न्स हैं और ये होता है किसी केस में। लेकिन आज एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट यही बीमारी का इलाज एक पतली सी सुई से कर सकता है, हथेली से। आपके दादाजी या पिताजी ऑपरेशन थिएटर या एंजियोग्राफी सूट में आएंगे, लोकल एनेस्थेशिया में, बिना किसी एडमिशन, बिना किसी चीरफाड़ के, बिना किसी ब्लेड के, यहाँ एक पतली सी सुई लगाई जाएगी एंड 1 घंटे के अंदर आपको कहा जाएगा अब आप इनको घर ले जाओ,
6 हफ्ते से 6 महीने में इनकी पेशाब की इशू ठीक हो जाएगी, 90% चांस एंड नियरली 0% कॉम्प्लिकेशन रिस्क। ये क्या है, क्या कोई एक्यूपंचर या जादुई टेक्निक है? नहीं, दोनों भी नहीं है। ये एक एडवांस्ड एंजियोग्राफी बेस्ड टेक्निक है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसमें पतली सी सुई से, हथेली से हम एक तार ले जाते हैं एंजियोग्राफी में देखकर शरीर में नीचे, वहाँ तक जहाँ प्रोस्टेट की नसें निकलती है। प्रोस्टेट की नसों में बहुत माइक्रो कैथेटर और फाइन ट्यून्ड वायर से चले जाते हैं, और जब देखते हैं कि हाँ ये नस प्रोस्टेट को सप्लाई कर रही है, गदूद को, आसपास के किसी अंग को नहीं, तो वो फ्लो को बंद कर देते हैं। क्योंकि प्रोस्टेट को फ्लो नहीं मिलता, वो डेड हो जाता है उसका कुछ हिस्सा, और वो श्रिंक होने लगता है, जिससे धीरे धीरे पेशाब का रास्ता खुल जाता है और यूरिन की स्ट्रीम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। 6 हफ्ते से 3 महीने तक इसके इफ़ेक्ट को लगते हैं, पर इफ़ेक्ट इतना अमेजिंग है कि ये सारे सिम्टम्स हमने जो देखे बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज IPSS स्कोर 12 से 17 तक कम हो सकता है। अगर किसी को रिटेंशन है, कैथेटर डल गया है क्योंकि वो पेशाब कर ही नहीं पा रहा है, वो भी पूरी तरह निकल जाता है। इतना अमेजिंग टेक्नोलॉजी है और पूरी तरह साइंस बैक्ड अप है। यूरोलॉजी सोसाइटी इसे मानती है कि ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है सर्जरी के लिए। सारे Grade 1 मेडिकल एविडेंस मांगता है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और मेटा एनालिसिस है जो कि Level 1 एविडेंस है। सो इनफैक्ट आपको भी इसके बारे में रिसर्च करना है तो PubMed, गूगल स्कॉलर पे जाके आप टाइप कीजिए प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन, बहुत सारा डेटा आएगा। सिंपल एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा सक्सेस रेट 90% है, कॉम्प्लिकेशन रिस्क ना के बराबर है। सो अगर आपके घर पे कोई है जिसे ये दिक्कत है तो आज ही अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए और ये ट्रीटमेंट एक्सप्लोर कीजिए। हमारे टीम से बात करना है तो नंबर बार बार फ्लैश किया है, अभी भी कर रहा हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, हम डाउट सॉल्व कर पाए एंड ऑफकोर्स ये ट्रीटमेंट के बारे में भी आपसे बात कर पाए। बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इस पे पहले भी, वो सारे एक्सप्लोर कीजिए। ओल्ड एज और मेंस हेल्थ पे भी बनाए हुए हैं, बहुत फ़ायदा और लाभ मिलेगा। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।